अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम इब्रार और आज मैं आया हूँ गाड़ी का शूट करने के लिए। और ये तीनों गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये 2005 मॉडल है, ये भी 2005 मॉडल है और वो 2000 मॉडल है। तो अभी इनका वीडियो शूट हो रहा था वॉश होने टाइम। और ये गाड़ी मैंने पहले नहीं दिखाई थी, ये न्यू आई है। सो इसकी आप चीज़ें देखें, गाड़ी के लेकर हॉर्न मारने की पड़ी है। तो इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स और कॉइल ओवर्स हुई हुई है, जिसको डेड ड्रॉप कहते हैं, थोड़ी से भी ऊपर हुई है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉइलर लगा है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक्वेरिया का साइन लगा हुआ है और एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। और जैसे कि देख सकते हैं बम्पर के अंदर एक लाइट भी इंस्टॉल्ड है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। सो इस साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ इंटीरियर में बहुत ही एक कमाल की चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, इसका मीटर चेक करें, यह थाईलैंड गाड़ियों का मीटर है, होंडा सिविक का ही, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, इसके अंदर LCD पैनल भी इंस्टॉल्ड है और बकाया स्टॉक है। ये वाली मैंने पहले आपको दिखाई थी, ये इसका फुल रिव्यू मैंने किया हुआ है। और ये वाली एयर सस्पेंशन के साथ है, सारी गाड़ी स्टॉक है, सिर्फ रीपेंट हुई भी हल्की सी, और प्लस अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड है जो कि बहुत ही मतलब कि जालिम लग रहे हैं। चेक करें यहाँ से, ये चेक करें। इसके बाद इसके अंदर इन लाइवल्स की खाली जो कॉस्ट है 1.5 लाख रुपया। और दूसरी साइड पे ये होंडा सिविक 2000 मॉडल है। सो इसके बारे में मैं आपको बताना था, ये गाड़ी सारी सियालकोट में पेंट हुई है, बकाया जो भी सारा कॉयल ओवर्स और लाइवल्स का जो काम हुआ वो हमारे इधर इस्लामाबाद में हुआ है। तो ये जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तो अभी भाई ने लिप लगा दी है। तो ये थी, अभी इसके आप सिनेमेटिक चेक करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।